हम साइंस पढ़ रहे हैं सिक्स का, तो चैप्टर आप देख रहे होंगे एयर अराउंड अस। इसमें हमारे टॉपिक्स हैं विनोइंग हैं, इन्वर्टेड हैं, इंटर डिपेंडेंस है, विंड मिल है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये जो आधा टॉपिक है हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिया है। इसमें वी हैव लर्न्ड इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। हमने ये चैप्टर 9 में ऑलरेडी पढ़ा है, जैसे मैं बता रहा था अभी, कि जो सभी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या ज़रूरी होती है, एयर, हवा रिक्वायर होती है। हवा के बंदे बगैर वो नहीं जिंदा रह सकते। बट हैव यू एवर सीन एयर, पर क्या आपने हवा देखी है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर, आपने हवा नहीं देखी होगी, बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट। बगैर आपने क्या किया, हवा हम क्या कर सकते हैं, हवा हम महसूस करते हैं। देखिए, जब भी गर्मियों का टाइम होता है हम पंखा ऑन करते हैं तो हवा आती है, तो यहाँ महसूस करते हैं हम हवा आ रही है। या कभी कभी जब बाहर हवा आती है, तूफान आता है, तब हमें हवा महसूस होती है। लेकिन इवन इसके बावजूद भी हवा एटमॉस्फेयर पे होती है। अच्छा, अब आगे हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मनी वेज, बहुत सारे वेज। देखे, जैसे मैंने आपको कुछ बताए, यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज रस्टल और द क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन ए क्लॉथ्स लाइन ऑफ स्वे। अब ये कह रहा है आपने बहुत तरीक़ों से जो हवा है देखी होगी, या तो पत्ते हिलते देखे होंगे पेड़ों के, या तो जो कपड़े हम टांगते हैं सुखाने के लिए तारों पे, रस्सियों पे, जिस पे भी, तो वो हिलते डुलते हैं, तो तभी हमें पता लगता है कि आज हवा चल रही है यार, वो है ये है। पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन। अभी जैसे फ़ैन ऑन है, जैसे ये है फ़ैन, क्या है, ऑन है, मिसाल मैंने इसको ओपनली रख दिया, तो ये पन्ने क्या है पलटना शुरू हो जाते हैं ऐसे ऐसे ही, तो इस ये क्या हो जाते हैं, पंखे की वजह से, जो हवा की वजह से ये रोटेट हो जाते हैं, तो ये भी एक हवा का प्रेजेंस है। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर क्लाइट। जो मतलब मूविंग एयर की वजह से, उसकी मदद की वजह से हम पतंग, जो है आपने सुना होगा पतंग, हम उड़ा पाते हैं एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5 इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड सार्डस्ट वाई विनोइंग। हमने देखा, आपने, मैंने उस विनोइंग टॉपिक में आपको पढ़ाया था कि हम रेत को कैसे, मतलब जैसे हम फसल्स होती है, जब हम फसल को मतलब छानते हैं, साफ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक शिप में लेते हैं, उसमें उसको छांटते हैं, जहाँ की ओर हवा होती है, वो जो गंध है जो हल्की सी होती है वो उड़ के दूसरी साइड हो जाती है, और भारी भरकम जो है वो अपने नज़दीक गिरता है, तो उससे भी वो डस्ट दूर हो जाती है, तो वो भी एक हवा के ही हेल्प से हो पाता है। या अगर कभी हवा नहीं होती है, कुछ लोग जो हैं वो पंखे लगाते हैं, बड़े बड़े पंखे, फ़ैन लगाते हैं, उसकी मदद से भी वो चीज़ वो यूज़ करते हैं। विनोइंग इज़ मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर, बिल्कुल सही बात है, विनोइंग जो मोर इफेक्टिव होगा जब हवा ज़्यादा होगी। यू मे हैव नोटिस्ड दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड। मैंने पहले भी बोला आपको, जब भी हवा होती है, तूफान आता है, तो उस टाइम जो विंड की जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा बाहर अभी भी जो तूफान आए थे कुछ, तो बड़े सारे टाइप के तूफान थे, तो उसमें क्या, तूफान का मतलब क्या था कि हवा की स्पीड जो थी बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से क्या हुआ, किसी के छत उड़ गए, किसी के टीन वीन वगैरह, ऐसे पेड़ गिर गए, तो ये सब पॉसिबल किसकी वजह से होता है, हवा की वजह से। स्पीड इट मे इवन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ। देखा, मैंने बोला रूफ टॉप से, ये जहाँ, यहाँ तो पेड़ गिरा देता है या छतें उड़ा देता है। तो ये आज इसका एक टॉपिक था, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।